में रेसेस के स्टार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के स्टार्ट होते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग और मिडल डिस्टेंस रेसों में किस तरह से स्टार्ट लिया जाता है। इसके अलावा हम फिनिशिंग किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो स्प्रिंट या शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, इन रेसों को स्प्रिंट रेस भी बोला जाता है। ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ, पूरी स्पीड के साथ दौड़ी जाती हैं। और इसके अंदर देखिए, कम दूरी की दौड़े जैसे 100 मीटर, 200, 400 मीटर की दौड़े आती हैं। जब हम स्प्रिंट रेसों की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने एक नाम जरूर ही सुना होगा, उसेन बोल्ट का। ये इनको फास्टेस्ट मैन भी बोला जाता है और इनके नाम कई रिकॉर्ड है, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया और ओलंपिक रिकॉर्ड है और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 100 मीटर में देखिए, इनका रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड में, ये दौड़ पूरी की थी 2009 में। और 200 मीटर में भी इनका रिकॉर्ड है 19.19 और 2009 में, अभी तक इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। और ओलंपिक्स के अंदर भी इन्हीं का रिकॉर्ड है 9.63 सेकंड का, 2012 में इन्होंने बनाया, और 200 मीटर में 19.30 सेकंड का। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी इनका रिकॉर्ड 9.58 एंड 200 मीटर में 19.19 सेकंड का। इनके रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड उसेन बोल्ट के। उसेन बोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी हम ज्यादा यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट कितने तरह के होते हैं इसमें देखिए, एक होता है इसमें सिटिंग स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, और तीसरा फ्लाइंग स्टार्ट। सिटिंग स्टार्ट होता है स्प्रिंट रेसों के लिए, और जो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है मिडल या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए, और फ्लाइंग स्टार्ट रिले रेसेस में होता है। अब सिटिंग स्टार्ट के अंदर तीन तरह से स्टार्ट होता है, अब बुलेट एंड पंच स्टार्ट, और दूसरा मीडियम स्टार्ट, और तीसरा इसमें एलोंगेटेड स्टार्ट। और ये इस तरह के स्टार्ट हमने पहले ही बोला स्प्रिंट रेसों में होते हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल, 4x100 मीटर रिले एंड 4x400 मीटर रिले। अब हम इनको देखते हैं किस तरह से ये स्टार्ट लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बंच और बुलेट स्टार्ट होता है, इसमें देखिए क्या आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से ये स्टार्ट लिए जाते हैं। इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस 8 से 10 इंच का होना चाहिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्लॉक्स लगे रहते हैं पर जहाँ पे पाँव प्लेस होते हैं, तो ये दो ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 8 से 10 इंच का। जो बुलेट स्टार्ट होता है उसमें, जो मीडियम स्टार्ट होता है उसमें जो ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 12 से 18 इंच का। उस तरह से एलोंगेटेड स्टार्ट में 20 से 28 इंच का होना चाहिए। सिंपली अगर हम देखें, जो छोटी हाइट के होते हैं उनके लिए होता है बंच स्टार्ट, जो मीडियम हाइट के उनके लिए मीडियम स्टार्ट, और एलोंगेटेड स्टार्ट लंबे हाइट के एथलीट होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह का स्टार्ट लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टेक्निक, स्टार्टिंग टेक्निक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि ब्लॉक्स लगाए जाते हैं स्टार्टिंग लाइन पे, तो उन स्टार्ट को कैसे फिक्स किया जाए, तो ये स्टार्टिंग लाइन से पीछे लगाए होने चाहिए, और इनका जो डिस्टेंस होना चाहिए स्टार्टिंग लाइन और स्टार्टिंग ब्लॉक्स के बीच में वो होना चाहिए 11 से 12 इंचेस का। लेकिन ये डिपेंड करता है एथलीट की हाइट के ऊपर भी। ब्लॉक्स तो लग गए, लेकिन अब इसमें एंट्री कैसे ली जाए, उसके लिए देखिए जो स्टार्टर रेफरी होते हैं वो कमांड देते हैं। पहली कमांड होती है ऑन योर मार्क, तो जैसे ही स्टार्टर रेफरी कमांड देगा ऑन योर मार्क, तो एथलीट नॉर्मली वॉक करते हुए आएंगे और ब्लॉक्स पे वो अपने पांव प्लेस कर देंगे, और जो अपने हाथ है वो इस तरह से स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा पीछे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देंगे। और ये आपका साइड व्यू आप देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू, इस तरह से जो पहली जो कमांड होगी यहाँ पर इस तरह से खिलाड़ी फिर अपने हाथ और पांव को प्लेस करके रिलैक्स होके रहेंगे। जो दूसरी कमांड रहेगी वो होगी सेट। जैसे ही सेट बोला जाएगा जो स्प्रिंटर क्या करेंगे, देखिए ये इस तरह से पहले बैठे हुए थे आराम से, तो एकदम से वो अलर्ट हो जाएंगे और अपनी हिप से वो इस तरह ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और उनका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ को, स्टार्टिंग लाइन की तरफ को मूव कर जाएगा। इस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं, और इनका बॉडी वेट फ्रंट फुट और हाथों पे शिफ्ट हो जाएगा, और हेड जो है वो नेचुरल पोजिशन में रहेगा अपनी,
और इस तरह से एकदम से वो अलर्ट होके रहेंगे। और जैसे ही फिर गो बोला जाएगा, अगली जो कमांड है या तो गो बोला जाएगा या फिर गन फायर होगी। जैसे ही गन फायर हो जाती है तो खिलाड़ी आगे की तरफ को फिर एकदम से दौड़ना शुरू कर देंगे। ये था स्प्रिंट रेसों में इस तरह से जो सिटिंग स्टार्ट है लिया जाता है। तो स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर। जैसा नाम से पता लग रहा है कि स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े के वो स्टार्ट लेंगे कुछ इस तरह से। मैं आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की बॉडी जो है वो इस तरह से स्ट्रेट बेंड रहेगी, हिप से बेंड रहेगी लेकिन स्ट्रेट बेंड रहेगी। और इनके हाथ इस तरह से रहेंगे जो भागने की पोजीशन में ये खिलाड़ी इस तरह से खड़े रहेंगे। फिर गन फायर होगी और ये दौड़ना शुरू कर देंगे। और इस तरह का स्टार्ट देखिए मिडल डिस्टेंस रेसों में 800 मीटर, 1500 मीटर।